हमेशा हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एक प्यारी सी जोड़ी को अपना आशीर्वाद देने ज़रूर आइएगा। और ये जोड़ी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, शादी है घर में, तो हम तैयार हो गए हैं और मैं बस इस तरीक़ा से तैयार हुई हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल, क्योंकि घर में ही शादी है, सब कुछ देखभाल भी करनी है, तो मैं ज़्यादा कुछ खास तैयार नहीं हुई हूँ, सादा सिंपल तैयार हुई हूँ। और बारात आने वाली है और हम तैयार हो गए हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, इधर गुनगुन तैयार हो गई है और उधर कार्तिक तैयार हो गया है, उधर बैठा है कार्तिक। और गणेश तो तैयार होके कम से कम एक दो घंटे पहले से ही वो बाहर घूम रहा है, तो वो पहले से ही तैयार है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है बाहर और क्या क्या होगा पूरी शादी में। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी दोनों तैयार हो गए हैं। तो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे हैं मेरे बच्चों को, ये दोनों बच्चे हैं मेरे। और छोटा वाला तो बाहर खेल रहा है, तो उसका वीडियो नहीं ले पाई, तो मुश्किल से खड़ा हो रहा था, कार्तिक वीडियो में आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर हो रहा है मतलब कि भात लेने की तैयारी, जैसे कि बेटी की शादी है तो उसके जो मामा लोग हैं वो भात लेकर आए हैं, तो यहाँ पर भात लिया जा रहा है। और यह रौनक सब मेरे घर पर हो रही है, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितनी सारी भीड़ है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो बेटी के मामा लोग हैं वो आए थे और बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो उधर बिटिया रानी तैयार होके आ गई थी, वो रूम में बैठी हैं अंदर, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, नज़र ना लगे उनको, और सच में बहुत ही प्यारी लग रही हैं वो। तो ये देख सकते हैं दोनों बहनें हैं और एक मेरी भतीजी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप मैंने अपने साथ में भी ली, ये देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बाहर डीजे वगैरह चल रहा था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, यह एकांत में मैंने उनको बिठा के रखा हुआ था। और यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा है, जो फैमिली में बच्चे हैं सबका, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। बारात आने वाली थी, ये बारात आने से पहले का नज़ारा है, ये फैमिली के मेंबर्स, ये मेरी फैमिली के मेंबर्स, बच्चे बिटिया रानी जो भी हैं सब डांस कर रही हैं यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था इवनिंग का, क्योंकि बारात आने वाली है, मेहमान बहुत ज़्यादा थे और मेरी फैमिली सब, तो शादी घर पर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश माहौल था। और बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी मेरा घर अभी बन के तैयार ही हुआ है, तो सबसे पहले शुभ चरण यहाँ पर कितने बंदों के मेरे घर में पड़े हैं, यह मेरे लिए बड़ी बात है। और जिस बिटिया की शादी है उसके पैर मेरे घर में पड़े, यह भी मेरे लिए बड़ी बात है। और यहाँ से शादी हो रही है, यह भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबका डांस चल रहा है, बस मैंने यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी सी ली थी। और मैं तो ज़्यादातर क्लिपें एक लोगों से मंगवाई हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं हो पाई। फ्रेंड्स यहाँ पर ना बारात आ चुकी थी और यहाँ पर जो दरवाजे पर बरौठी होती है वो हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो डांस जो हो रहा था वहाँ से हम सब लोग आ गए थे और यहाँ पर हो रही है बरौठी। और आपने देखा ढोल नगाड़ों से यहाँ पर बरौठी हुई थी, कि जो कि डीजे और बैंड बाजा था वो पीछे रोड पर ही रह गया था। और जो दूल्हा जी हैं उनको भी घोड़ी पर लाया गया था, क्योंकि Thank you.
देखा फ्रेंड्स आपने, बरौठी हो चुकी है और मतलब कि जो बग्घी थी वो गली में नहीं लेकर आए, तो दूल्हे को घोड़ी पर ही लेकर आए थे और खूब अच्छे से बारात चढ़ी है, खूब अच्छे से शादी हो रही है। और यहाँ पर ये बिटिया रानी है, यहाँ पर उसके पोज लिए जा रहे हैं जो फोटोग्राफर होते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि जो ये बिटिया की शादी है ये इतनी ज़्यादा मतलब कि स्वभाव से बहुत ज़्यादा शांत है, इतनी ज़्यादा इसमें मतलब वो नहीं है, तेज़पन नहीं है मतलब कि। और यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपनी शादी में ये डांस भी कर रही है, खुश है बिटिया रानी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। और यह इस चीज़ के लिए हकदार है, जितना इसका स्वभाव जो शांत है, इतने अच्छा अपने घर में अपने परिवार को संभाला इस बिटिया ने, अपने घर में सबसे बड़ी है और अपने बहन भाइयों का सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मतलब कि मेरी फैमिली में कुछ भी हो, मतलब कि कोई भी काम बिटिया रानी को दे दो, कभी ना नहीं करेगी, कभी काम में हार नहीं मानेगी, यह सब इसके अंदर गुण हैं। सच में ऐसी बेटी होना मुश्किल है, सच में फ्रेंड्स मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी बेटी मुश्किल से ही किसी घर में होंगी। लेकिन इसका नसीब भी बहुत बहुत अच्छा रहा, बिटिया रानी की शादी भी बहुत धूमधाम से हो रही है, बहुत ही जो भी काम होते हैं शुभ काम, जो भी इनकी इच्छा थी सब पूरी हो रही है शादी में, काफ़ी अच्छे से शादी हो रही है। और इनकी जोड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे बिटिया रानी है ऐसे ही यहाँ पर दामाद जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं बिटिया रानी की भी हाइट थोड़ी कम है, तो वैसे भी दूल्हे राजा की तो जोड़ी दोनों की बिल्कुल अच्छी है, सुंदर है दोनों, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शादी हो रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर, दूल्हा दुल्हन बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ का था। तो यहाँ पर जयमाला हो रही है और वीडियो जो बनाते हैं उनको आपने देखा ही होगा, कितने तरह तरह के पोज कराते हैं कि बहुत टाइम लगा देते हैं, और कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं जो कि हद ही पार कर देते हैं। लेकिन भाई उनका काम है, उनको करना है, क्योंकि जो वीडियो है वो हमेशा के लिए बनी रहती है यादें, तो हर चीज़ उसमें लेना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ब्लॉग हो गया, हमें शूट करना होता है, तरीके से चीज़ें दिखानी होती हैं, वैसे ही यहाँ पर कैमरे वाले वीडियो वालों को भी पूरा ही यहाँ पर वीडियो लेनी होती है, तो हम लोगों को लगता है ऐसे। बाकी उनका काम है, क्योंकि अपना काम में सब माहिर होते हैं, उनको अच्छे से करके देना होता है। तो यहाँ पर जयमाला होने जा रही है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जयमाला का प्रोग्राम हो रहा है। हमें वॉइस काटनी पड़ती है ताकि कॉपीराइट नहीं आए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वीडियो ब्लॉग में, वरना बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक और यहाँ पर गाने बज रहे थे, मन कर रहा था कि पूरा ही वीडियो में शेयर करूँ, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी वीडियो को खतरा हो जाता है और यूट्यूब कॉपीराइट दे देते हैं, कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर हो रही है जयमाला और यहाँ पर ये आशीर्वाद को जाते हुए, ये देख सकते हैं ये क्यूट सी जोड़ी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, आई होप आपको ये पसंद आएगी, जोड़ी कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।